श्री हरि मंदिर लाहौरिया मोहल्ला बस्ती गुचा के परम अध्यक्ष स्वर्गीय महंत बलवंत राय के सुपुत्र एवं प्रसिद्ध कथावाचक कथा श्री हरि मंदिर एवं धर्मशाला के प्रधान पंडित विपिन शर्मा के छोटे भाई गगन शर्मा का गत दिनों स्वर्गवास हो गया था, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया सदगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबागनगर में सम्पन्न हुई। इस मौके पर आए हुए पंडितों ने स्वर्गीय गगन शर्मा की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास जी महाराज, महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास साध्वी स्वामी शिवा भारती, पंडित गरुड़ प्रसाद शुक्ला ने भी अपने विचार देकर स्वर्गीय गगन शर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा नेता अमित तनेजा, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, राकेश शांतिदूत, मोहिंदर भगत, कांत करी, राजीव ढिंगरा, राकेश कश्यप, विशाल भारती, रमेश सहगल, अमित लुद्रा, देविंदर भारद्वाज, योगेश मल्होत्रा, लकी मल्होत्रा, ऋषि बहल, राघव बहल, वेद कुमार, मीनू शर्मा, देविंदर अरोड़ा, विपिन शर्मा, भगत मनोहर लाल, प्रोफेसर सोमनाथ, नव कुंद्रा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय गगन शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जे तन पाय भजे रघुबीरा, देह धरे कर ये फल भाई ओ भजिए राम सब काम बिहाई। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। इसलिए दोस्तों हम सब लोग कहते हैं कि ये शोक सभा है और है भी शोक सभा, लेकिन संत महापुरुष विद्वान जन इस सभा को ज्ञान सभा भी कहते हैं। कोई सिंहासन करके है, कोई बांधे दाम गंभीर, जिन्होंने इस मानवता को सही समझा, इसके लिए अथक प्रयास किया और ये आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, क्योंकि ये जीव को शांति तभी मिलती है जब परमात्मा से बिछड़ा हुआ। आज जब मिलेगा, जैसे किसी मेले में भीड़ भाड़ में माँ से बच्चा बिछड़ जाए तो बड़ा रोता है। कितना जल्दी फोन करना, बात होनी, स्वामी ध्यान में है, जल्दी कर देंगे, भैया पैसा हो गया, नगर पैसा हो गया, और अभी तो पिताजी का ही दुख नहीं भूले हम सब, और ये दुखों के सिर पर आ पड़ा, पर विपिन जी ने जो सेवा की है मेरा ख्याल से बोल कर सुनमें भाई भाई के लिए कोई भी तैयार नहीं है, मगर वो है जो रामायण के उपासक हैं, कैसे कैसे राजनों के सिखलाती है रामायण, गुमराहों को सीधा रास्ता दिखलाती है रामायण, और रामायण पढ़ने वाला जरूर भाई भाई की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है, नहीं तो इस बोल कल शुरू में लोग रोते ही आते हैं आश्रमों में कि थोड़ा शब्द इतने जरा होना है, वो उधर शब्द कोई जवाब नहीं देता जा सकता, पर फिर भी बहुत सारिया जड़िया संस्थावां ने उन्होंने शोक संदेश भेजे है, शोक व्यक्त किया है, उन्होंने इस वंश को मान्यता देनी भी साड़ी जी है वो ड्यूटी बनती है। सो पंचवटी मंदिर धर्मशाला जी के परिवार बहुत चंगी तरह जुड़िया, उन्होंने वालों
एक रेजोल्यूशन बाके शोर प्रस्ताव लिखा गया कि उत्ते तकी बलोत्रा जी जो प्रधान ने बाल कृष्ण मैणी जी जनरल सैक्रटरी ने उन्होंने सानू शोक संदेश भेजा और अरोड़ा छतरी महासभा का जो शोक संदेश है वो साढ़े वीर दविंदर अरोड़ा जी लैके हाजिर हुए हैं।